हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे यहाँ चौथ का व्रत है, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है। आईलैशेस नहीं लगाए हैं तो आप आईलैशेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आईलैशेस लगाने से आपका जो लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। बट मुझे घर में ही रहना था तो मैंने आईलैशेस नहीं लगाए हैं। ये टीका भी सिर्फ मैंने हेयर स्टाइल बनाने के लिए लगाया हुआ है, बाद में मैं रिमूव कर दूँगी। और इस तरीके की इयररिंग्स पहनी हुई है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सिल्क बन हेयर स्टाइल, वो भी मैंने हेयर वॉश किया है। तो आप हेयर वॉश जैसे करते हो तुरंत आपके बाल भी काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी एंड अजीब से दिखते हैं, जिसकी वजह से आपका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा ये जेल ले लोगे, हेयर जेल, कोई भी जेल अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सेटवेट का हेयर जेल लिया हुआ है। इसको थोड़ा सा लेके जहाँ भी आपका बहुत ज़्यादा बेबी हेयर दिख रहा है या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिजनेस है वहाँ पर अप्लाई कर लीजिए इस तरीके से। मुझे तो खुले बालों में ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है मेरा लुक। बट हेयर स्टाइल बतानी है तो आप लोग को के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। अब आपको मैं यहाँ पे बीच मांग के साथ ही हेयर स्टाइल बता रही हूँ। सिंपल इजी क्विक हेयर स्टाइल है। तो अगर आपको जल्दी से पार्टी में जाना है, आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो इस तरीके से कॉम कर लेना है पहले, तो कॉम करके जो भी लेयर आपको निकालनी है बालों की वो आप निकाल लीजिए पहले। तो मैं यहाँ से इस तरीके से लेयर्स निकाल रही हूँ अपने ईयर के पास से, देन ऊपर से। आपने फ्लिक्स कट किए होंगे तो बहुत इजीली आपके लेयर्स जो हैं वो निकल जाएंगे। इस तरीके से। और सबसे पहली बात कि जब भी आप बीच मांग से कोई हेयर स्टाइल करते हो तो बहुत लंबी मांग नहीं निकालनी है। इस तरीके से करने के बाद से अच्छे से कॉम करके तो मैंने ये लेयर्स निकाल लिए हैं। आप भी ज़रूर निकालिएगा, आपके फेस पे अगर सूट करता हो तो बहुत अच्छा लुक आता है लेयर्स निकालने से फेस का। अब इस तरीके से पूरा सिल्क तो नहीं बना रही हूँ, बट इसको आप लो बन बोल सकते हो। वेडिंग पार्टी में अगर आप न्यू मैरिड वूमेन हो तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। अब इस तरीके से करने के बाद से मैं यहाँ पे एक रबर बैंड लगा लूँगी। ओके, रबर बैंड लगाने के बाद से बालों को हल्का सा लूज करेंगे, देन इसको एक एक हॉल करेंगे इस तरीके से। इसमें एक इस तरीके से अपने बालों को पूरा पलट के नीचे की तरफ से लेके जाएंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली बता रही ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसको थोड़ा टाइट कर देंगे। ओके, टाइट करने के बाद से यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा हेयर खींच लेंगे, जिससे कि आपके बालों में एक इंस्टेंट वॉल्यूम आ जाए। जैसे यहाँ पे हमारे कई बार हेयर फॉल की वजह से क्राउन एरिया के हेयर जो होते हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ यहाँ पे फ्लैट लुक आता है, जिससे कि अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से खींच लेंगे। अब आपको क्या करना है, अपने बालों में एक पतला वाला रबर बैंड रखेंगे और उस रबर बैंड को लगाएंगे। कहाँ लगाना है वो बता रही हूँ मैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जगह स्पेस छोड़ते हुए एक रबर बैंड लगा लेना है। रबर बैंड लगा के इस तरीके से सारे बालों को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो फ्लावर वाला इस तरीके का कोई फ्लावर पिन हो तो आप उसको ले लीजिए, देन जो आपका रबर बैंड लगा हुआ है उसके अंदर इस तरीके से इसको इंसर्ट कर लीजिए। ओके, इंसर्ट करने के बाद से ध्यान दीजिएगा आपका जो एक्स्ट्रा हेयर है वो बाहर ना दिखे, अंदर की तरफ अच्छे से इंसर्ट करते हुए। और स्कैल्प के हेयर के साथ अटैच करते हुए इसको लगा दीजिए और आपका जो हेयर स्टाइल है काफ़ी इजीली बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पे, और काफ़ी स्टाइलिश भी लगेगा। तो आप देख सकते हो। और जैसे हमने क्लिप लगाया उसकी वजह से हमारा हेयर अगेन चिपक गया था, फ्लैट हो गया था, तो उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे खींच के इसको थोड़ा सा
वॉल्यूम देंगे। और ये हमारा फ्लैट सा साड़ी के लिए लो बन बन के रेडी हो गया। तो साड़ी पे आप इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हो, जो कि काफ़ी स्टाइलिश एंड आपको बहुत ही अच्छा सा लुक देगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और मेरा आज का लुक कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताएगा। और मेरा मेकअप आप देख सकते हो, अगर मैंने लैशेज लगाए होते तो ये आई मेकअप परफेक्ट था वेडिंग सीजन के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। यहाँ से देखिए मेरे हेयर ये निकल रहे हैं, तो इसको आप इस तरीके से अंदर की तरफ इंसर्ट कर सकते हो, जिससे कि ये आपके हेयर स्टाइल को ख़राब कर देगा। इसके लिए आप इस तरीके से अच्छे से पूरा हेयर को अंदर की तरफ कर दीजिएगा। अब आपका लुक काफ़ी अच्छा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक